Hi guys, welcome to my channel Style with Crochet. Today I am going to tell you how to make very beautiful stylish toran or door hanging. So let's start. First of all, I made chain 13. I made chain 13 and then 3 double crochet in starting. Two double crochet, chain one, two double crochet, and in last three chains make double crochet. I am telling you this design in a small pattern for making toran or door hanging. First of all, we have to make this portion. So this is very simple. So I made before so that I may continue properly. Chain 3, and now in first space I will make 3 double crochet. In next space 3 double crochet. इन ईच स्पेस मेक 3 डबल क्रोशिया बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो ऊपर एक सीधी पट्टी होती है हम वो बना रहे हैं. ये बहुत सिंपल है. मैंने 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया, इस तरह पट्टी बना ली है. अब मैं इसके साइड में ये हर स्पेस में तीन तीन चेन बना रही हूँ, तीन तीन डबल क्रोशिया बना रही हूँ. उसके बाद हम पैटर्न डालेंगे. इन ईच स्पेस मेक 3 डबल क्रोशिया. ये तोरण का डिज़ाइन बहुत सुंदर है. ये देखने में एकदम रियल लगता है जो फूल और पत्ती से बना है. बिकॉज ग्रीन लीफ आई मेक 3 डबल क्रोशिया इन ईच स्पेस. Cut the thread. I will use now green color. Chain 3. These three chains are for 1 double crochet. In next chain make 1 double crochet. Chain 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Skip 3 chains. 1, 2, 3. Into the fourth make single crochet. Chain 4, 1, 2, 3, 4, into the 1, 2, 3, 4th chain, make single crochet. Chain 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, skip 3 chains into the 4th, make single crochet. Chain 4, skip 3 chains into the 4th, make single crochet. One, two, three, four. One, two, three. Skip three chains into the fourth.
सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू द फोर्थ चेन, मेक सिंगल क्रोशिया, चेन 4, स्टिच, मेक डबल क्रोशिया, 1 2, दिस राउंड इज कंप्लीटेड, चेन 3, 1 2 3, टर्न द पैटर्न, इन नेक्स्ट चेन मेक डबल क्रोशिया, एंड नाउ इन दिस स्पेस मेक ए सिंगल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3, अगेन मेक 2 डबल क्रोशिया मोर इन टू द सेम स्पेस, 1 2 3, अब हमारे पास इस स्पेस में 3 डबल क्रोशिया हैं, चेन 4, 1 2 3 4, हमने पहले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, पहले चेन 3 की, वो चेन 3 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया और बनाए हैं, फिर चेन 4, और अब इस फर्स्ट जो हमने 3 चेन्स बनाई थी, थर्ड चेन में से क्रोशिया डालकर इस वाले इस लूप को निकालिए, ठीक है, चेन 2, 1 2, अब इस स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाइए, 1 2, जो हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर स्पेस बनाया है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, अब 2 डबल ट्रिपल, 1 2 3, 1 2, थ्रेड ओवर द हुक 2 टाइम्स एंड मेक डबल ट्रिपल, 2 2 2, एंड नाउ थ्रेड ओवर द हुक 3 टाइम्स, 1 2 3, पुट ऑफ टू लूप्स, चेन 3, 1 2 3, एंड मेक ए स्लिप स्टिच इंटू द टॉप स्टिच, 1 2, थ्रेड ओवर द हुक 2 टाइम्स, अगेन मेक डबल ट्रिपल, 1 2 3, अगेन थ्रेड ओवर द हुक 2 टाइम्स, and now make 2 double crochet, chain 2, and into the same space make single crochet, chain 3, 1 2 3, and now in 3 chain space make a slip stitch, this loop like betel leaf, this is very lucky for home, अब करिए चेन 5, 1 2 3 4 5, अब थर्ड चेन में हुक डाल के एक स्लिप स्टिच बनाइए, चेन 3, 1 2 3, अब हम नेक्स्ट स्पेस को स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट स्पेस में हुक डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 3, 1 2 3, 3 चेन 1 चेन 4 स्पेस, आई मेड 4 चेन और एक मेक 1 डबल क्रोशिया इनटू द सेम स्पेस, चेन 1,
वन डबल क्रोशिया इंटू द सेम स्पेस, चेन वन, वन डबल क्रोशिया इंटू द सेम स्पेस, चेन वन, वन डबल क्रोशिया इंटू द सेम स्पेस। ये हमने स्टार्टिंग में चेन थ्री की थी, वन चेन फोर स्पेस, फिर वन डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, वन चेन। हमने थ्री चेन बनाने के, फोर चेन बनाने के बाद स्टार्टिंग में फोर टाइम्स डबल क्रोशिया किया है। एंड नाउ अगेन मेक चेन फोर, वन टू थ्री फोर, इंटू द सेम स्पेस मेक ए सिंगल क्रोशिया। अगेन मेक चेन फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, इंटू द थर्ड चेन मेक स्लिप स्टिच, चेन थ्री, वन टू थ्री, स्किप दिस स्पेस, नेक्स्ट स्पेस एंड इंटू द नेक्स्ट मेक ए सिंगल क्रोशिया। चेन फोर, वन, चेन थ्री, सॉरी, वन टू थ्री, अगेन मेक टू डबल क्रोशिया मोर इंटू द सेम स्पेस, चेन फोर, वन टू थ्री फोर। ये ओवर द फर्स्ट डबल क्रोशिया इंटू द थर्ड चेन, ये पुल आउट दिस लूप एंड मेक ए सिंगल क्रोशिया, चेन टू, वन टू, एंड इन दिस लूप मेक टू डबल क्रोशिया, वन टू, टू डबल ट्रिपल, थ्रेड ओवर द हुक टू टाइम्स एंड मेक डबल ट्रिपल, वन टू, थ्रेड ओवर द हुक थ्री टाइम्स, वन टू थ्री, put off two loops, put off two loops, put off two loops and put off two loops, chain three, one, two, three, into the top of the triple double, make a slip stitch, thread over the hook two times and make double triple, again thread over the hook two times, and now make two double crochet into the same space, chain two, one, two, and in the same space make a single crochet, chain three, one, two, three, and in four chain space make a slip stitch, पूरी लूप ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, एक लिफ बनाएंगे, फिर ये एक स्पेस पर सिर्फ तीन पांच चेन बनाकर थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर थ्री चेन्स बनाकर नेक्स्ट स्पेस में इसको बंद कर देंगे और यहाँ पर फोर चेन करके फिर चार डबल क्रोशिया एक एक चेन के गैप पर, फिर चार चेन और इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्पेस में हम ऐसे ही बनाएंगे, पांच चेन, थ्री थर्ड में एक लीफ स्टिच, फिर तीन चेन करके नेक्स्ट में बंद कर देंगे, फिर लीफ बनाएंगे, फिर ये सिर्फ चेन लूप बनाएंगे, उसके बाद फिर फ्लावर के लिए ये डबल क्रोशिया गैप देकर बनाएंगे। इसी तरह हमें पूरी रो करनी है। मैंने रो पूरी कर ली है, एक लीफ, ये
खाली स्पेस ये फ्लावर के लिए, फिर एक लीफ, फिर एक फ्लावर के लिए स्पेस। इस तरह हमने पूरी कर ली है। अब हम ये जो हमने स्पेस छोड़ा था यहाँ पर फ्लावर के लिए 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, एक एक साइड में 4-4 चेन किया था, उनमें हम फ्लावर बनाएंगे। Chain 3। इन फर्स्ट 1 चेन स्पेस मेक अनफिनिश डबल क्रोशिया 1, 2, 3 टाइम्स इंसर्ट द हुक एंड पुल आउट द थ्रेड ऑल ओवर द लूप्स। Chain 1। इन नेक्स्ट स्पेस 1, 2, 3 पुल आउट द थ्रेड थ्रू ऑल लूप्स। Chain 1। इन नेक्स्ट 1, 2, 3 Chain 1। इन नेक्स्ट 1, 2, 3 Chain 1। इन लास्ट स्पेस 1, 2, 3 Chain 1। ये देखिए हमने फर्स्ट लूप में हुक को 3 बार डाला और हर लूप में से एक साथ थ्रेड को बाहर निकाल दिया। इसी तरह हमने 1, 2, 3, 4, 5 पेटल्स बनाई हैं। अब हम इस लूप को ये फर्स्ट वाली पेटल के ऊपर ये डालकर इसमें से निकाल लेंगे, ये पॉपकॉर्न स्टिच बनाते हुए। Chain 3, 1, 2, 3। अब इस 1 चेन स्पेस में हम हुक डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। Chain 3, 1, 2, 3 और इस डबल क्रोशिये के ऊपर से ही 1 सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में हुक डालकर बनाएंगे। Chain 3, 1, 2, 3 ये पीछे की तरफ हुक डालकर फिर 1 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब नेक्स्ट 1 चेन स्पेस में हुक डालकर मेक डबल क्रोशिया। Chain 3, 1, 2, 3 और बैक साइड से पीछे की तरफ हुक डाल के इसके अंदर से 1 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अगेन इन द सेम स्पेस मेक डबल क्रोशिया। Chain 3, 1, 2, 3 इसी डबल क्रोशिये के ऊपर पीछे की तरफ से हुक डालकर 1 सिंगल क्रोशिया। हर 1 चेन स्पेस में 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। मेक डबल क्रोशिया, Chain 3, 3 सेम स्पेस में डबल क्रोशिया, Chain 3 और इस डबल क्रोशिये के ऊपर पीछे की तरफ से हुक डाल के 1 सिंगल क्रोशिया। डबल क्रोशिया 1, 2, 3 पीछे की तरफ से हुक डालकर 1 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्पेस डबल क्रोशिया। Chain 3, 1, 2, 3 इंसर्ट द हुक
from the back side of double crochet and make single crochet. In next one chain space, make double crochet, chain 3, one, two, three. In every one chain space, make two double crochet. Chain 3. अब जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था, वहाँ से हुक डालकर स्लिप स्टिच बना दीजिए एंड कट द थ्रेड. ये देखिए गाइस, हमारा कितना सुंदर फूल तैयार हुआ है. ये अब हम ऐसे एक लीफ और एक फ्लावर बनाएंगे. अब हम हर स्पेस में अलग अलग कलर से फ्लावर बनाएंगे. अब मैं आपको दूसरे कलर से बनाकर दिखाती हूँ. सो गाइस देखिए, ये हमारा एक लीफ का पोर्शन था. दिस इज लीफ, ये फ्लावर, फिर लीफ. अब इस स्पेस में फिर फ्लावर बनाएंगे. हमें पिंक कलर का फ्लावर बनाऊंगी. नेक्स्ट स्पेस अगेन मेक डबल क्रोशिया, चेन 3, वन टू थ्री. दिस थ्री चेन्स आई एम मेकिंग टू मेक दिस ब्यूटिफुल एच. एंड नाउ in the first double crochet make a slip stitch, cut the thread. This flower is also ready. So guys, this leaf, this flower. So guys, देखिए हमारी beautiful तोरण बिल्कुल तैयार है. It's very beautiful. This तोरण is unique with leaf and flowers. I hope you will like this. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.